नमस्कार, मेरी बहुत इच्छा थी आज पूर्णिया में आपके पास आने की, पर मौसम खराब होने के वजह से मैं नहीं पहुंच सका। आप जानते हैं कि हम आज राजनीति के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब बड़े बड़े लोग अपने स्वार्थ में छोटे छोटे फायदों के लिए अपनी जमीर का सौदा कर लेते हैं, पर हमारे बीच एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ सिद्धांतों की राजनीति करता है, जो राजनीति के माध्यम से लोगों को सिर्फ देने की सोचता है, कभी कुछ खुद के लिए पाने की नहीं। राहुल गांधी जी वर्तमान राजनीति में एक ऐसे नेता है जिन्होंने अपने लिए त्याग, तपस्या और बलिदान का रास्ता चुना है। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि राहुल जी ने हर एक भारतीय को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने वाले का संकल्प लिया है। साथियों, आज का दिन दो मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का 76वां शहादत दिवस है और दूसरा 2023 में आज ही के दिन श्रीनगर में राहुल गांधी जी ने ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया था। बिहार लोकतंत्र की जन्मभूमि है। भगवान बुद्ध को यही ज्ञान मिला, यही महावीर और गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि है। ये भूमि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, बाबू जगजीवन राम, जेपी और कर्पूरी ठाकुर जैसे महान नेता अनगिनत दिग्गजों से एवं स्वतंत्रता सेनानियों की है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज इस भूमि पर मौका परस्ती और लोभ लालच की राजनीति हावी हो गई है। जो बिहार दुनिया को प्रकाश देता था, उसकी पहचान अब आया राम गया राम की राजनीतिक प्रयोगशाला बन गई है। पर हमारे पैर छोटे मोटे कारणों से डगमगाने वाले नहीं हैं। कोई रहे या जाए, हम अपने उसूलों को छोड़ने वाले नहीं हैं। पर हमारे पैर छोटे मोटे कारणों से डगमगाने वाले नहीं, कोई रहे या जाए, हम अपने उसूलों को छोड़ने वाले नहीं हैं। हम में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, राजेंद्र बाबू, मौलाना आज़ाद की रूह है। हम इन्हें कायम रखने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को सम्मान देने में कमी नहीं रखी। महागठबंधन की सरकार ने वर्षों से ठप विकास यात्रा को गति देने के प्रयास किया तो मोदी और शाह को चुभ रगाया, पसंद नहीं आया। उन्होंने बिहार के सम्मान और स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया। बिहार के विकास के लिए यूपीए सरकार में 2,00,000 करोड़ रुपए दिया गया था। इसमें 6 पावर प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे, पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत कई बड़े काम हुए। लेकिन मोदी सरकार जी ने बिहार के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया। जो मदद मिलती थी वो भी बंद हो गई। चुनाव से पहले 1,15,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा मोदी जी ने पटना के गांधी मैदान में की, पर वो पैसा कहाँ गया कोई नहीं जनता। बिहार ने 40 में से 39 सदस्य
भाजपा गठबंधन को दिया, लेकिन मोदी जी ने बिहार की जनता को इसके बदलों में कुछ नहीं दिया, बिहार को पीछे ही ढकेला। मैं पूर्णिया की सभा में आए लोगों को खास तौर पर कहना चाहता हूं कि इस इलाके की एकता को तोड़ने के लिए बीजेपी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का कार्ड खेलती है। आप लोगों को बहुत सावधान रहना है। कट्टरता से कभी किसी देश या किसी कौम का भला नहीं हो सकता। 2014 और 2019 के मुकाबले में आज कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। इसी से बेचैन बीजेपी सहयोगी दलों को तोड़ने का, उनमें दरार डालने का काम कर रही है। ईडी, सीबीआई, आईटी सभी जुटे हैं। महाराष्ट्र और बिहार में जो हुआ वो खेल जारी रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी के परिवार को भी परेशान किया जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री के ऊपर भी ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं सरकार, और सरकार को अस्थिर करने का खेल खेला जा रहा है। आपसे अपील है कि ऐसा करने वालों का सजा जरूरी देना है। पिछले 10 सालों में मोदी जी ने बेरोजगारी, महंगाई जैसे सवालों का वो जो वायदे किए थे उसके उलट काम किया। आरएसएस, बीजेपी बराबरी की बात केवल भाषणों में करती है, हकीकत में वो अमीरों को अमीर और गरीबों को और गरीब बनाती है। उद्योगपतियों को मालामाल करने के लिए सालों बने नेशनल असेट्स उनके हवाले करने में संकोच नहीं करती। आने वाले चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ी जा रही है, और ये चुनाव ऐसा ही होगा। गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये देश के वास्तविक मसले हैं। हम इन्हीं का बात करते हैं और इन्हें ही पूरा करने के लिए लोगों से वोट मांगते हैं। मुझे विश्वास है कि आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा के विचारों को घर घर तक पहुंचाएंगे। आप सब ने हमारी बात सुनी, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय कांग्रेस।